हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और हम आए हैं अपना व्लॉग शूट करने के लिए। इस बार नवरात्रि में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और अभी हम आ चुके हैं दरभंगा कॉलोनी में और यहाँ की दुर्गा पूजा की प्रिपरेशन हो रही है ऑलमोस्ट। पंडाल वीडियो में आपको दिखाते हैं कि पंडाल इस बार क्या थीम होने वाला है और इस बार नवरात्रि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो रही है प्रयागराज में हमारे, क्योंकि 3 साल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, पहले की तरह दुर्गा पूजा का पंडाल और दुर्गा पूजा नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है हमारी। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको वीडियो में दिखाते हैं कि पंडाल इस बार के प्रयागराज में कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ये है दरभंगा कॉलोनी के पंडाल का फ्रंट लुक, जो कि तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर से लिया गया है। और ये है मेन एंट्रेंस, और यहाँ के कारीगर सारे कोलकाता से बुलाए गए हैं, जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। और ये रहा अंदर का लुक, जो अभी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, बट लाइटिंग होने पर ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगेगा। हम आ चुके हैं प्रयागराज की सबसे फेमस लोकेशन पे, जिसका नाम है बाई का बाग। यहाँ पे भी दुर्गा पूजा पंडाल के बहुत तेज़ी से तैयारी हो रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तैयारी हो रही है और यहाँ का क्या थीम होने वाला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की तैयारी कैसे हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ग्रास कटिंग हो रही है पूरी, इस पूरे ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है। इस क्लियर होने के बाद ही आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि ये सामने आपको पंडाल दिख रहा है। यहाँ पे भी अभी देख सकते हैं कि सारी तैयारियाँ भी हो रही हैं। पास से चल के दिखाते हैं कि आपको पंडाल का क्या थीम है और इस बार क्या स्पेशलिटी होने वाली इस बार पंडाल। छूटे पर तेरा ना द्वार छूटे, तेरे घर को मैं, तेरे घर को मैं माँ, तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ, दूजा कोई द्वार ना दिखे, तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं। तो ये है दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर का लुक। तो आइए जानते हैं बाई के बाग दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर से यहाँ इस पंडाल की खासियत के बारे में। सर भैया नमस्कार जी। तो आपका शुभ नाम? हम भैया शैलेन द्विवेदी हैं जी। तो इस बार क्या हमें बता सकते हैं कि इस बार बाई के बाग का दुर्गा पूजा पंडाल किस थीम पे बन रहा है और क्या स्पेशलिटी इस पंडाल की? देखिए, हम लोग ये बाई का बाग दुर्गा पूजा जो बारवारी हमारी कमेटी है जी, ये हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जी सर। और उस नए में हमारा प्रयास ये रहता है कि जो चीज़ कहीं ना दिखती हो वो हम दिखाई दें जी जी जी। तो हमने इस क्रम में जो है एक बार स्वर्ग लोक बनाया था। हाँ जी हाँ जी, आप लोगों को याद होगा, आप आए रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी, एक बार हम लोगों ने थंडर वाटर बनाया था। हाँ जी, वो बहुत फेमस हुआ था। एक बार बंद देवी आई थी। हाँ, एक बार पर्यावरण पर वो हुआ था। तो इस बार की हमारी जो थीम है वो राजस्थान का राजमहल है जी जी, जी। तो ये पुराना किला और पुराना महल। हाँ, ओके, अब वो तो महल है तो किला हो ही जी, 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 हाँ, क्योंकि हम लोग का जो है वो दो छती वाला हाँ, छोटा हाँ, छोटा हाँ, रहता है, तो हम लोग तो क्वार्टर वाले सिस्टम में
लेकिन ये महल हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर वर्क है। दिनेश शर्मा जी हैं जी, ये हमारे जो हैं डेकोरेटर हैं यहाँ के जी, जी, जी। तो ये कुछ विशेष चीज अगर आप पूछेगा तो ये आपको बताएंगे उसके बारे में। तो नमस्कार सर, आप भी बता सकते हैं कि इसमें मतलब कितना टाइम लग गया इस पंडाल को मतलब मेकिंग करने में, और अभी कितना टाइम बाकी है इसको ओपनिंग के लिए? अभी कम से कम ये लगा 30 दिन लग गया। अच्छा, एक महीने का टाइम। कल हम इसको फाइनल कर देंगे, कल ये फाइनल हो जाएगा और ओपनिंग आई थिंक शायद 30 को होगी। कल दुर्गा जी आ जाएंगे हमारे जी, और षष्ठी से जो है षष्ठी से वो पूजा की शुरुआत हो जाएगी। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। ये दिनेश भाई हमारे जो है मास्टरपीस हैं जी, और जी, हमारी पूजा की जान है। अरे बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलते बहुत कम है लेकिन काम जो है जी जी जी, इनका काम बोलता है, काम बोलता है। ये कम बोलते हैं, इनका काम तो बोलता। अभी तो फिलहाल वैसे ही देखने में पंडाल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और लाइटिंग के बाद तो और भी ज्यादा इसमें चार चांद लगने वाले हैं। हम स्वागत करेंगे आप लोगों का, फिर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आके देखिएगा तो फिर दोनों का अंतर समझ में आएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक। तो ये रहा बाई का बाग दुर्गा पूजा पंडाल। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। तो हम आ चुके हैं पंडाल की नेक्स्ट लोकेशन पे, जिसका नाम है नेतानगर, नेतानगर दुर्गा पूजा पार्क में। और यहाँ की तैयारी भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ की तैयारी, यहाँ पे माता रानी की मूर्ति भी आ चुकी है और यहाँ की तैयारी भी बहुत जोरों से चल रही है, वो भी हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अब प्रयागराज की सबसे फेमस लोकेशन पे, जहाँ पे इस बार सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से बन रहा है दुर्गा पूजा पंडाल। ये पीछे हमारे गोलू भाई हैं, और इस बार का थीम यहाँ का रहने वाला केदारनाथ मंदिर का। और देखिए यहाँ पे अभी भी काम पेंटिंग का भी चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट काम चल रहा है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। पीछे डेकोरेशन के काम, यहाँ पे कटिंग के काम, और ऊपर भी डेकोरेशन के काम चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आज या कल में यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, और साइड्स में आप भी देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, बट लाइटिंग के बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और ये है केदारनाथ मंदिर के अंदर का लुक। तो बजरंगबली के दर्शन करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नवरात्रि की और अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही आएंगी। नवरात्रि की जैसे ही तैयारी पूरी हो जाती है हम अपने चैनल पे वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।